दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। उन खजुराहो के मंदिर की कामुक मूर्तियों का क्या राज है और वे नग्न अवस्था में स्थित मूर्तियां क्या कहना चाहती हैं? तो चलिए मित्रों, हम आपको आज इसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश की एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। इसके इतने प्रसिद्ध होने की वजह है यहाँ के मंदिर। झांसी से लगभग 175 किलोमीटर दूर हिंदू और जैन धर्म का समूह है, जो कि खजुराहो समूह के नाम से जाना जाता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण वर्ष 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेला साम्राज्य में हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार 12वीं शताब्दी में लगभग 85 मंदिर थे और वह करीब 20 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए थे, परंतु प्राकृतिक आपदाओं के कारण अब वह मंदिर केवल 22 ही मंदिर बचे हैं और कुल 6 किलोमीटर तक के दायरे में फैले हुए हैं। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ों का एक विशाल बगीचा हुआ करता था। वहाँ के लोगों का यह भी मानना है कि इस समय नगर पर लगे दो खजूर वृक्षों के कारण ही इसका नाम खजुराहो पड़ा, जो कि अब कालांतर खजुराहो कहलाने लगा। मित्रों, खजुराहो में वे सभी संभोग करती हुई मूर्तियां दर्शाई गई हैं, जो प्राचीन काल का मानव बेमुक्त होकर करता था, जिसे ना तो ईश्वर का और न ही धर्मों की नैतिकता का डर था। अधिकतर धर्मों ने संभोग का विरोध कर इसका तिरस्कार ही किया है, जिसके चलते इसे अनैतिकता और धर्म विरोधी कृतक माना गया है। धर्म, राज और समाज ने स्त्री और पुरुष के बीच के संपर्क को हर तरह से नियंत्रित और सीमित करने का अधिकतर प्रयास किया है। मित्रों, इसके पीछे कई कारण रहे हैं और इस प्रतिबंध के कारण ही लोग इस पर चर्चा करने और इस पर किसी भी प्रकार की सामग्री पढ़ने, देखने आदि से कतराते हैं, लेकिन दूसरों से छिपाकर सभी लोग इस कुकृत्य को करते हैं। आज समाज में बलात्कार के कारणों को ढूंढने का प्रयास कोई नहीं करता है। मित्रों, पुराणों के अनुसार ना तो सेक्स महत्वपूर्ण है और ना ही पशु वृत्ति है। सेक्स ना तो पाप से जुड़ा है और ना ही पुण्य से जुड़ा है। यह तो एक सामान्य कृत्य है, आज ये समाज के केंद्र में आ गया है। पशुओं में सेक्स प्रवृत्ति सहज और सामान्य होती है। काम सुख एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन आज के मनुष्य ने उसे अस्वाभाविक बना दिया है। खजुराहो मंदिर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि काम कला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री व पुरुष के चेहरे पर एक अलौकिक और देवी आनंद की आभा झलकती है। इसमें जरा भी अश्लीलता का आभास नहीं होता है। ये मंदिर इन मूर्तियों में भारतीय कला की धरोहर है। इन मंदिरों की इस भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। खजुराहो मंदिर में सभी मैथुनी मूर्तियां अंकित की गई हैं। लेकिन मित्रों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह की कामुक मूर्तियां क्यों बनाई गई हैं? क्या इन नग्न यौवन वाली मूर्तियों को बनाते वक्त धर्म गुरुओं ने इसका विरोध नहीं किया होगा? देखिए मित्रों, खजुराहो के मंदिर में संभोग करती हुई मूर्तियों को दर्शाने के पीछे कई अहम कारण छिपे हैं। पहला कारण, खजुराहो के मंदिर बनाने के अलग अलग कारण बताए जाते हैं। एक मत है कि ये मूर्तियां यहां अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के सिद्धांत का हिस्सा हैं। मित्रों, इस विषय में यह भी कहा जाता है कि ये प्रतिमाएं भक्तों के संयम की परीक्षा का माध्यम है। मोक्ष के कई मार्गों में से एक है काम। सनातन हिंदू धर्म ने जिंदगी को चार पुरुषार्थों के हवाले किया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक एक सीढ़ी और एक एक सफलता, और इन चारों पुरुषार्थों का संबंध वह है खजुराहो के मंदिरों में। दूसरा कारण, मंदिर निर्माण के कारणों में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि उक्त काल में बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते गृहस्थ धर्म से विमुक्त होकर अधिकतर युवा ब्रह्मचर्य और संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्हें फिर से गृहस्थ धर्म के प्रति आकर्षित करने के लिए ही
देश भर में इस तरह के मंदिर बनाए गए हैं और उनके माध्यम से यह दर्शाया गया कि गृहस्थ रहकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसका तीसरा कारण, कहा जाता है कि चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वाम मार्गी शाखा का वर्चस्व था, जो योग और भोग दोनों को ही मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियाँ उनके क्रियाकलापों की ही देन है। बादशाहन के काम सूत्र का आधार भी प्राचीन काम शास्त्र और तंत्र सूत्र है। शास्त्रों के अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है। चौथा कारण, खजुराहो के मंदिर के निर्माण के संबंध में मुंदेलखंड में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या की बेला में सरोवर में स्नान करने पहुंची। उस दौरान आकाश में विचरते हुए चंद्रदेव ने जब स्नान करती अति सुंदर और नव यौवना से भीगी हेमवती को देखा तो वे उस पर आसक्त बिना हुए नहीं रह पाए। उसी पल वे रूपसी हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उससे प्रणय निवेदन किया। कहते हैं कि उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसने ही बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना की। समाज के भय से हेमवती ने उस बालक को जंगल में कर्णावती नदी के किनारे पाला और उसका नाम चंद्रबर्वन रखा। बड़ा होकर चंद्रबर्वन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे सपने में दर्शन देकर ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को ऐसा संदेश दें जिससे समाज यह समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान काम इच्छा भी एक अनिवार्य अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी पाप बोझ से ग्रस्त ना हो। ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रबर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनवाए गए। यद्यपि 85 मंदिरों में से आज यहाँ प्राकृतिक आपदाओं के कारण केवल 22 ही मंदिर बचे हैं। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। और दोस्तों, आगे और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।